हमारे चैनल साइंस एंड नॉलेज उर्दू हिंदी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि एक विश्वसनीय स्रोत द्वारा पुष्टि की गई है, सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज के लिए स्नैपड्रैगन 8 एलीट का उपयोग करेगा। सैमसंग ने पुष्टि की है कि उसके आगामी गैलेक्सी डिवाइस, संभवतः गैलेक्सी S25 सीरीज, बेहतर AI, प्रदर्शन और कई अन्य बेहतरीन सुविधाओं के लिए शक्तिशाली स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट का उपयोग करेंगे। जबकि विशिष्ट मॉडलों का स्पष्ट रूप से नाम नहीं बताया गया था, यह अत्यधिक प्रत्याशित है कि गैलेक्सी S25 सीरीज इस शक्तिशाली प्रोसेसर को पेश करने वाली पहली कंपनियों में से एक होगी। क्वालकॉम ने हवाई में स्नैपड्रैगन समिट 2024 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट का अनावरण किया है और जैसा कि अपेक्षित था, यह एक प्रभावशाली प्लेटफॉर्म है जो मोबाइल प्रदर्शन, गेमिंग, फोटोग्राफी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अविश्वसनीय प्रगति प्रदान करता है। मोबाइल डिवाइस निर्माता अब नए फ्लैगशिप डिवाइस को बाजार में लाने के लिए इस चिपसेट का उपयोग करेंगे। अब यह पुष्टि हो गई है कि सैमसंग वास्तव में उन कंपनियों में से एक होगी जो आने वाले महीनों में स्नैपड्रैगन 8 एलीट संचालित डिवाइस लॉन्च करेगी। स्नैपड्रैगन 8 एलीट गैलेक्सी AI अनुभव को बेहतर बनाएगा। कम से कम एक गैलेक्सी S25 वेरिएंट में स्नैपड्रैगन 8 एलीट होगा। सैमसंग मोबाइल के अध्यक्ष TM रोह ने गैलेक्सी AI अनुभव को बेहतर बनाने के लिए स्नैपड्रैगन 8 एलीट की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग में क्वालकॉम की विशेषज्ञता और मोबाइल AI को आगे बढ़ाने की इसकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यह दृढ़ता से संकेत देता है कि गैलेक्सी S25 सीरीज सैमसंग की अगली फ्लैगशिप पेशकश होने के नाते संभवतः बढ़ी हुई AI क्षमताओं को प्रदान करने के लिए स्नैपड्रैगन 8 एलीट को शामिल करेगी। अगले साल की शुरुआत में आने वाली गैलेक्सी S25 सीरीज के लिए चिपसेट के चुनाव के बारे में सबसे लंबे समय से अफवाहें चल रही है। कुछ अफवाहों ने दावा किया कि सैमसंग इस साल गैलेक्सी S24 सीरीज के लिए जो किया था वही कर सकता है, जिसमें उसने गैलेक्सी S24 के लिए एक्सिनोस 2400 और अधिकांश बाजारों में गैलेक्सी S24 प्लस का इस्तेमाल किया, जबकि गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को वैश्विक स्तर पर स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 के साथ भेजा गया। सैमसंग एक्सिनोस 2500 पर काम कर रहा है, जिसके गैलेक्सी S25 सीरीज के साथ आने की उम्मीद थी। हालांकि हाल ही में अफवाहों ने दावा किया है कि इस 3nm चिप के लिए सैमसंग की पैदावार अच्छी नहीं है, जिसका मतलब है कि यह संभवतः उन लाखों इकाइयों को शिप करने के लिए पर्याप्त नहीं बना पाएगा जो अंततः दुनिया भर में बेची जाएंगी। ऐसा होने की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन क्वालकॉम भागीदारों की सूची में सैमसंग का उल्लेख मात्र, जो आने वाले हफ्तों में स्नैपड्रैगन 8 एलीट डिवाइस लॉन्च करने वाला है, यह स्पष्ट करता है कि क्वालकॉम के नए फ्लैगशिप चिपसेट की निश्चित रूप से गैलेक्सी S25 सीरीज में भूमिका होगी। तो अधिक तकनीकी समाचार और अपडेट के लिए कृपया देखते रहें। अगली बार मिलते हैं। अलविदा।